हिमाचल से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद कंगना रनौत थप्पड़ कांड का मामला अब गर्माता जा रहा है। बॉलीवुड जहां कंगना की तरफ आ गया तो वहीं सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मी कुलविंदर के समर्थन में किसान आ गए। पंजाब के डीजीपी से मुलाकात कर किसान संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिमाचल से नव निर्वाचित बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सीआईएसएफ महिला सुरक्षा कर्मी कुलविंदर कौर के थप्पड़ मारने का मामला अब अलग ही रूप लेता जा रहा है। कुलविंदर कौर को निलंबित करने के बाद अब किसान संगठनों ने मामले में एंट्री ले ली है। किसान संगठनों ने 9 जून को मोहाली के गुरुद्वारा श्री अम्ब साहिब में इकट्ठे होकर एसएसपी मोहाली कार्यालय तक पैदल इंसाफ मोर्चा निकालने की घोषणा की। इस मोर्चे के दौरान मोहाली एसएसपी को मांग पत्र सौंपा भी जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने चंडीगढ़ के किसान भवन में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान ढल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर ने केंद्र सरकार को घेरा। पंधेर ने कहा कि किसानों के रोष के कारण बीजेपी का पंजाब में इस बार भी सूपड़ा साफ हो गया। सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की मुलाजिम कुलविंदर कौर के लिए मानसा के वकील जसवंत सिंह ग्रेवाल कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं एक बार फिर हरियाणा आंदोलन की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई। थप्पड़ कांड के बाद अचानक से किसान संगठन अलर्ट मोड पर आ गए। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन की चर्चा शुरू होने से खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं। किसान संगठनों पर निगरानी बढ़ा दी गई और उनकी तमाम गतिविधियों पर ध्यान रखा जा रहा है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वीरवार को सुरक्षा जांच के दौरान कंगना रनौत को महिला सुरक्षा कर्मी कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया था। आरोपी महिला किसान आंदोलन के दौरान कंगना की बयानबाजी से नाराज थी। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय क्षेत्र से जीत दर्ज करने के बाद कंगना दिल्ली में बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए जा रही थी। उन्हें चंडीगढ़ हवाई अड्डे से विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या UK 707 से रवाना होना था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।